गांव की कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है ये। गांव में जो आजकल दिखाते हैं थोड़ा मोड़ा मर्डर मिस्ट्री पे, तो वही जो आजकल भोजपुरी में आ रहा है, मतलब ठाकुर वाकुर का रोल होता है, वो हमेशा बदला लेता है, तो इस टाइप पे नहीं है, थोड़ा हटके है ये भोजपुरी हमारी, ये हिंदी टाइप है, हटके है थोड़ा सा। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी कहानी में डिटेल्स बता नहीं सकता हूँ। जी काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ और फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ और फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी सुनी, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, कुछ हटकर है जैसे कि सर ने अभी बताया, कुछ हटके है। मैं तो इस फिल्म के लिए मैं जिमनास्टिक वगैरह और फाइट वगैरह सीख रहा हूँ, एक्टिंग वगैरह और डांस वांस ये सब सीख रहा हूँ। ये फर्स्ट मूवी है, फर्स्ट मूवी है मेरा, फर्स्ट मूवी है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बिहार के रहने वाले हैं, चंपारण से। बिहार में कहाँ के रहने वाले? चंपारण से। भोजपुरी सिनेमा का क्या सोच है, क्यों करना चाहते हैं? सर शुरू से ये ड्रीम था मेरा एक्टर बनने का। किस हीरो को फिल्म आपने ज़्यादातर देखा है? सबकी देखता हूँ सर, जैसे जैसे ले लो खेसारी जी और भी हैं, पर ज़्यादा खेसारी जी का देखते हैं। में क्या अच्छा लगता है आपको, एक्शन अच्छा लगता है, कॉमेडी अच्छा लगता है? उनकी कॉमेडी अच्छी लगती है। आप किस तरह ज़्यादा करो? मैं एक्शन डायरेक्टर सर। फिल्म के आप दो नए लड़कों को, एक नए लड़का एक नई लड़की लॉन्च कर रहे हैं, तो आज उनके फिल्म आ चुकी है, क्या दोनों को सोच के सिनेमा बना रहे हैं? देखिए आजकल भोजपुरी में टेट चला है कि भोजपुरी में नया लड़का नई लड़की नहीं चलती है, तो ये गलत है। आपके स्टोरी में जान होगा, आपके पिक्चर बढ़िया बनेगी तो डेफिनेटली बढ़िया चलेगा, पब्लिक आएगा, ये हमारा, ये हमारा जो हीरो है, मतलब एक्शन का बेताज बादशाह है, एक्शन में बेताज बादशाह। पहली बार इस भोजपुरी के इतिहास में एक एक्शन हीरो आ रहा है। जी विनय बिहारी जी हाँ हमारे साथ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी संगीत है। नमस्कार प्रणाम, मैं आकांक्षा दुबे। सजाद खान जी जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक डायरेक्टर है और खुद ही ये एक फिल्म एज अ एक आर्टिस्ट मतलब शमशेर है, जो बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है और बहुत मेहनत की है इसने, और मुझे तो उन्होंने पहले से ही साइन किया था। और ये फिल्म तो मुझे लग रही है, स्टोरी जहाँ तक मैंने सुनी है, फिल्म बहुत ही अच्छी और एकदम साफ़ सुथरी फिल्म है, हमारे भोजपुरी की जैसे नहीं है कि वल्गरिटी जो हम नए नए वर्जन ला के फिर उसके अंदर वल्गरिटी डाल दे रहे हैं, ये वल्गरिटी इस फिल्म में नहीं है, एकदम नेचुरल फिल्म, अच्छी फिल्म है कि हम परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। और इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और सर हम शूटिंग कब से स्टार्ट कर रहे हैं? फरवरी एंड करेंगे, फरवरी एंड में हमारी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। पीछे पोस्टर जो लगे पर देखिए, बताइए क्या करना है? एक्चुअली ये जो इसमें जो लेडी है, जो लेडी का कैरेक्टर है, एक तो चुलबुली है और एक बहुत और एकदम डॉन जैसे रहती है, आई मीन लेडी डॉन जैसे, तो जो इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो लेडी डॉन टाइप का है, तो जो चुलबुली है वो गांव की लड़की चुलबुली, मैं लेडी डॉन मतलब मैं बाहर रहती हूँ, और मेरा कैरेक्टर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल है और मुझे ऐसे ही कैरेक्टर चाहिए थी जो मुझे आज तक इंडस्ट्री में किसी ने नहीं दिया, सब ने वही गांवटी फिर वो थोड़ा मॉडर्न टाइम में, और जो मुझे लेडी डॉन वाला कैरेक्टर चाहिए था वो मुझे इस फिल्म में मिला है। थैंक यू सो मच एजाज सर। मैं तो एक्चुअली मुझे जो स्टार हीरो जो रहते हैं उनके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं रहते जितना नए हीरो के साथ रहता है, मैं उनको कॉपरेट करती हूँ वो मुझे कॉपरेट करते हैं, नए हीरो के कुछ नखरे नहीं होते हैं। पूरी में से कौन सा हीरो है जो कंफर्टेबल नहीं है स्टार में? बहुत से हैं, अभी नाम तो नहीं लेना चाहिए बट बहुत से हैं, मुझे बहुत लगता है कि यार नहीं नहीं बहुत है, अब किन के नाम लूँगी मैं, फिर भी अपने जगह पे सब सही है। मैंने चिंटू पांडे जी के साथ किया है जय शंभू, और खेसारी जी के साथ किया है मेरी जंग मेरा फैसला जो ऑन फ्लोर रिलीज है, और वीरो के वीर किया है वर्ल्ड वाइड की पिक्चर, और रितेश पांडे जी के साथ किया है जीत, बहुत सारी मूवी की जो मैंने एक साल के अंदर ऑन फ्लोर है। जी एक्चुअली मैं फर्स्ट हीरो के साथ नहीं कंफर्टेबल थी, जिनकी मैंने फिल्म की रत्नाकर जी की वीरो के वीर,
निवेदन चौधरी जी से मैं नहीं अनकम्फर्टेबल, एकदम अनकम्फर्टेबल थी मैं उनसे, मतलब काम करने में बहुत। हाँ वही नए हीरो की बात कर रहे हैं तो अभी वो थोड़ा सा उनका भी भोजपुरी सेलिब्रिटी में, तो फिर एक हो गए अपने मनोज आर पांडे जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बट बहुत एकदम बहुत मैं अनकम्फर्टेबल रहती हूँ उनसे काम करने में, बट लेकिन बहुत अच्छे हैं। हैं बहुत सारे हीरो, अब उनके नाम बताएंगे तो फिर विवाद हो जाएगा हम एक्ट्रेस में और हीरो में तो इससे बढ़िया ये बताना ही नहीं चाहिए। भोजपुरी में गाना आपके लिए कितना अहमियत रखता है? बहुत ज़्यादा। सॉन्ग आपके लिए कितना अहमियत रखता है? बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, आई मीन फिर भी इक्वल ज़्यादा नहीं। विनय बिहारी सर जी, हाँ वो भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छे इंसान है। आई थिंक मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, मुझे 2 साल हो गए इंडस्ट्री में और बहुत सीधे बंदे हैं वो, और उनकी शायद हम म्यूज़िक उन्हीं की हमारे मूवी में है, तो देन उनसे तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, बस देखे हैं हम, अच्छे इंसान हैं। 1724 से मैं करीब 10 साल से जुड़ा हूँ, और अभी जो मैं एक फ़िल्म बनाया उनके वजह से बनाया, अतृप्त मेरी हिंदी फिल्म है, और इसमें बत्रा जी हमको बहुत सपोर्ट किया। और आपकी भोजपुरी जो फर्स्ट मूवी है, क्या कुछ तैयारी आपने की है? तैयारी ऑलमोस्ट सब ओके है। और गीत और संगीत पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, और कौन सा है? संगीत में हमारे जो है ना विनय जी हैं और अनुज तिवारी जी हैं, दो लोग हैं। ठीक है, बिहार के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिहार के दर्शकों को मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्यों देखना चाहेंगे, वो हमारी जो डिजाइन आएगी, हमारी जब प्रोमो कटेगा लोग देखेंगे कि अश्लील नहीं है, जो आजकल अपनी सिस्टर के साथ में भी अगर ऑटो में बैठूं तो अश्लील गाने नहीं बजे, मेरा ये इसलिए मेरी पिक्चर देखेंगे। मैं ये पिक्चर बनाने की कोशिश करूँगा कि मैं अपनी सिस्टर के साथ देख सकूँ, ये मेरा फैसला है। अश्लील तो नहीं होगी लेकिन देखने लायक क्या होगी? देखने लायक तो सर बहुत कुछ होगा इसमें, आप जब आइएगा पर्दे पे देखने के लिए, थिएटर में आइएगा टिकट कटा करके देखने लायक तो बहुत कुछ होगा, हमारी हीरोइन देखने लायक होंगी, हमारे शमशेर जी होंगे देखने लायक, बहुत कुछ होगा देखने लायक, एक्शन होगी इसमें। जी मेरी तो फिल्में बहुत सारी, अभी कुछ पता नहीं, एक मुझसे शादी करोगी फिल्में हैं जो लॉन्च होने वाली, वो भी उस मुझसे कोई नहीं शादी करने वाला है और ना मैं करने वाली हूँ ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में तो नहीं। पहले शादीशुदा? नहीं नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ भाई, मेरे बच्चे हैं शादीशुदा हूँ, इनके दो बच्चे ये शादीशुदा हैं, हमारे हीरो जी कुंवारे हैं वो भी शादीशुदा नहीं है, सब यहाँ पे कुंवारे हैं। थैंक यू सर।